नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास यूएसबी हार्ड डिस्क हो या यूएसबी पेन ड्राइव भी हो या यूएसबी रिमूवेबल डिवाइस कुछ भी हो, जैसे मेमोरी कार्ड भी आप कह सकते हैं इस केस में, तो क्या होता है कि जब आप यूएसबी हार्ड ड्राइव अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है या पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, लगाने के बाद ही जो आपकी माउस पॉइंटर है वो गोल गोल सर्किल जैसा घूमने लगती है, यानी आपके हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो है सही से रीड नहीं कर पाती है। इसका मेन कारण ये होता है कि इसकी जो फाइल सिस्टम है, जो NTFS हो या FAT32 हो, इसमें बैड सेक्टर्स आ जाते हैं या इसके फाइल सिस्टम जो है क्रैश कर जाती है, तो आपको इसे रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके आपके पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि हार्ड ड्राइव सही से रीड नहीं हो रही है, प्रॉपर्टीज में जब आप जा रहे हैं राइट क्लिक करके, पहली बात की जो आपकी राइट क्लिक होगी वो बहुत देर के बाद जो है ओपन होगी, देन आप प्रॉपर्टीज में जा पाएंगे और इसकी जो हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज में जो फाइल साइज इन्फॉर्मेशन है या फाइल सिस्टम की जो टाइप है वो भी आपको शो नहीं करेगी, और अगर आप चेक डिस्क कमांड चलाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू तो वो भी जो है बताएगी कि रीड जो जो आपकी हार्ड ड्राइव है या पेन ड्राइव है वो एक्सेसिबल नहीं है, जिसके कारण CHK DSK जो कमांड होती है, जो मैंने एक वीडियो में भी बता रखा है, अगर आप वो वीडियो वॉच नहीं किए हैं, क्योंकि उस वीडियो से भी जो है आप हार्ड ड्राइव को अपने हार्ड ड्राइव को ठीक कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो वॉच नहीं किए तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां जाके आप CHK DSK कमांड के थ्रू कैसे हम हार्ड ड्राइव, करप्टेड हार्ड ड्राइव को ठीक करते हैं वो आपको पता चल जाएगी। और ये वाली जो हार्ड ड्राइव में इशू है वो आप अभी आप लैब में देखेंगे कि इसमें जो इशू आई है सेम वही इशू है, हार्ड ड्राइव क्रैश है लेकिन CHK DSK कमांड नहीं चल रही है। तो एक सॉफ्टवेयर होती है AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट स्टैंडर्ड एडिशन, जो बिल्कुल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट को, पर्टिकुलर गूगल में लिखेंगे और इसी के साइट से आप AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट वाली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर इंस्टॉल करें और देन अपने हार्ड ड्राइव को या पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को सही कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं लैब में कि कैसे इस हार्ड ड्राइव को सही करते हैं और इसमें क्या सिम्टम्स हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक हार्ड डिस्क जो है अटैच किया अपने कंप्यूटर के साथ और यहाँ पे देखिए रीड करने में जो है काफ़ी टाइम लग रही है, और जैसे ही ये रीड की और जब मैं इस पर डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन जो स्टेटस बार में आपको दिख रही होगी और ये रीडिंग एक्सेस जो है इशू दिख रही है। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड राउंड जो है माउस पॉइंटर मूव कर रही है और यहाँ पे मैसेज आ गई कि आपकी जो ड्राइव है वो एक्सेसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे जो है रीडिंग एक्सेस इशू आ रही है। और जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक कर ओपन करेंगे तब भी सेम इशू आपको दिखाई देगी। सो बेसिकली यहाँ पे जो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव मैं लगाया हूँ तो ये रीडिंग एक्सेस इशू बता रही है, और जैसे ही मैं राइट क्लिक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे नोटिस किए कि राइट क्लिक जो है वो काफ़ी डिले हुई है, और जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया हूँ ताकि मैं फाइल सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकूँ तो यहाँ पे 0 bytes है और यूज्ड स्पेस, फ्री स्पेस भी नहीं दिखा रही है। जैसे ही मैं टूल्स पे क्लिक कर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगा स्कैन के थ्रू तो नहीं हो पा रही है, और जो फाइल सिस्टम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे निकल के सामने नहीं आ रही है। तो आप रन पे जाएं और डिस्क mgmt.msc कमांड को आप यहाँ पे टाइप करें जिससे आपको डिस्क मैनेजमेंट जो है विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे आप देखिए कि वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन लोड हो रही है, और जैसे ही यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट ओपन हुई तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हमारे हार्ड ड्राइव की जो फाइल सिस्टम है वो रॉ दिख रही है, रॉ RAW। तो अगर आप यहाँ से भी राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो निकल के सामने नहीं आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए विंडो में, और यहाँ पे भी टूल्स जो है आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो समटाइम आपको जो विंडोज है वो इन्फॉर्मेशन निकाल के नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट स्टैंडर्ड एडिशन, जो बिल्कुल फ्री है, गूगल के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सामने आ गई हार्ड डिस्क की इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन है, जो हार्ड ड्राइव की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी यहाँ पे सामने आ रही है, जो भी यूज स्पेस वगैरह है, इट मीन्स ये क्लियर हो पा रही है कि इसमें हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो पड़ी हुई है। और यहाँ पे आप राइट क्लिक कर एडवांस में आएँ और चेक पार्टीशन को आप क्लिक करें और फर्स्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एक्चुअली में ये CHK DSK कमांड को ही रन करेगी और ये जो है बैड सेक्टर को फिक्स करेगी, जो भी ऑर्फैन इन्फॉर्मेशन है फाइल की वो उसको फिक्स करेगी। तो इसको थोड़ी देर चलने देने हैं, इसमें आपको 2-4 minutes या 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes का भी टाइम लग सकता है, और जैसे ये 100% कंप्लीट होगी तो आपको लास्ट में वार्निंग मैसेज को भी जरूर पढ़ने हैं कि ये सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। जो भी इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली CHK DSK जो है डिस्क के बैड सेक्टर को रिकवर करती है और जो भी ऑर्फैन फाइल इन्फॉर्मेशन है उसको भी वो दूर करती है।
तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हो गई CHK DSK तो ऑटो प्ले हुई यहाँ पे हार्ड ड्राइव, और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं जो भी समरी है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक्चुअली ये क्या किया CHK DSK हमारे डिस्क के ऊपर। और जैसे ही ये कंप्लीट हो गई AOMAI को क्लोज कर दे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ब्राउज कर पा रहा हूँ, हार्ड डिस्क मैं ओपन कर पा रहा हूँ, और हार्ड डिस्क जो है हमारी वो ठीक हो चुकी है। राइट क्लिक कर अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको फाइल इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, फाइल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, और स्कैन भी कर सकते हैं अपने हार्ड ड्राइव को। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि ऐसा इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि समटाइम लोग जो है इजेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर स्टेप फॉलो करें, अपने हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड को इजेक्ट कर ही अपने कंप्यूटर से डिवाइस को डीअटैच करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस तरह की टेक्निकल वीडियो वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।